कांवड़ियों के मुद्दे को लेकर भी अखिलेश यादव ने यूपी सरकार से कई सवाल किए। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में जिन कांवड़ियों की जान गई आप उनकी मदद क्यों नहीं करते? जिन कांवड़ियों की जान गई मैं उनसे मिला, सब किसान हैं और सभी गरीब हैं, क्या उन परिवारों की मदद नहीं होनी चाहिए? सुनिए जरा अखिलेश ने और क्या आरोप लगाए। हेलीकॉप्टर किराए पे लाते हैं, है सरकार का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं, अधिकारी पैर दबाते हैं, अधिकारी खाना खिलाते हैं, अधिकारी देखभाल करते हैं और कोई गलत नहीं है। अगर मैं कोई त्यौहार मनाता हूं, लेकिन मैं समाजवादी हूं तो मैं अपने घर में मनाता हूं, उसका कोई प्रचार नहीं करता मैं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी जाते हैं, फूल बरसाते हैं और सम्मान करते हैं, तो अध्यक्ष महोदय मैं आपसे के माध्यम से जानना चाहता हूं नेता सदन, कि जिन लोगों की जान गई है आप उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? और मैं तो वो हूं, और हम समाजवादी वो लोग हैं जिन पर आरोप लगता था कि भेदभाव करते हैं हम लोग मदद में। मुझे याद है मैंने अखबारों में पढ़ा और लोगों से सुना कि कुछ लोग ये कहते थे कि अगर किसी की दाढ़ी बड़ी है उस हिसाब से मदद मिलती है, छोटी दाढ़ी है तो कम मदद, बड़ी दाढ़ी है तो ज्यादा मदद मिलती है। इस तरह की बातें की जाती थी केवल इसलिए कि नफरत फैले समाज में, और झूठे झूठे आरोप लगते थे। इसलिए अध्यक्ष मौत है जिन कांवड़ियों की जान गई है मैं उन परिवारों से मिला हूं, मैं उन परिवारों के बीच में बैठा हूं जाकर के। सब किसान हैं, गरीब हैं, और हमारे माननीय सदस्य भी गए हैं वहां के जिले के और आसपास के जिले के, क्या उन परिवारों की मदद नहीं होनी चाहिए? मैं मांग करता हूं सदन में, और पिछली बार भी मैंने मांग की थी जब कस्टोडियल डेथ बलवंत सिंह की हुई थी, मैंने कहा था वो वोट हमें नहीं देता, वो वोट आपको ही देता है। आपके लोगों ने कहा कि हम 5 करोड़ की, 2 करोड़ की, 1 करोड़ की मदद करेंगे, सरकारी नौकरी दिलाएंगे, आप पीछे हट गए। आपका बुलडोजर अधिकारी लेकर के गए, एक मां बेटी को जिंदा मार दिया, जला दिया। वो हमारे वोटर नहीं थे, हमने मांग की थी कि मदद करो, उनकी सरकारी नौकरी दो। फिर आज मैं मांग करता हूं कि ये जो कांवड़ियों की जान गई है, और साथ ही साथ ताजिया लेकर के जो निकले थे उन लोगों की जान गई है, वो लोग घायल, उनके परिवारों में अभी भी घायल हैं, सरकार उन परिवारों की 1-1 करोड़ रुपए से मदद करे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अपने आयोजन में अगर गया है तो उसकी मदद करे, 1-1 करोड़ रुपए दे और उन परिवार की सरकारी नौकरी दे। और अगर आप सरकारी नौकरी नहीं दे रहे हैं तो आपकी हर बात झूठी है, फूल बरसाना, उनके पैर धोना, उनको खाना खिलाना, उनके लिए प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, डीजीपी को भेजना, ये सब फर्जी है। अगर आप 1 करोड़ सरकारी नौकरी नहीं दे रहे हैं तो चाहे वो कांवड़िया हो और चाहे वो ताजिया उठाने वाले हमारे किसी धर्म के लोग हों, हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं, सब भाई भाई हैं, हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।